सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इन सेशंस के अंदर कवर अप कर रहे हैं करंट अफेयर्स को फ्रॉम मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स, और ये सेशन आपके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी कि 2021 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, और स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, क्योंकि हम इन सेशंस के अंदर ना मोर देन वन ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर अप कर रहे हैं। और अगर बात करूँ मैं करंट अफेयर की, तो हम लोग इन सेशंस के अंदर ना बहुत ही एक्सप्लेन्ड मैनर से हर एक करंट अफेयर को यहाँ पर देखा जा रहा है। इवन यहाँ पर डाटा भी एड ऑन करवाऊँगा मैं आपको। और एक बात याद रखें, हम करंट अफेयर्स वो ही देख रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, क्योंकि हर एक न्यूज़ के अंदर जितना भी डाटा यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो सारे का सारा आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अगर यहाँ पे बात की जाए पीडीएफ की, तो स्टूडेंट्स आप लोग जो सेशन देखते हैं डेली बेसिस पे, उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा तो आपको पीडीएफ के लिए लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग सेम सेशन का पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। और अगर मैं बात करूं इस सेशन की, ये सेशन आपका 70 डेज के लिए कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, यानी कि बिफोर 2021 प्रीलिम्स हम लोग ये सेशन को कवर अप कर लेंगे। तो अभी तक हमने मार्च, अप्रैल, मई और जून को कवर अप कर लिया है, और अगर बात करें जुलाई की, तो हमारा 25th लेक्चर भी जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहने वाला है। क्लियर है ना। तो शुरू करते हैं सेशन, और सेशन शुरू करने से पहले अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं, तो स्टूडेंट्स मायसेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम करंट अफेयर मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। तो लीजिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन आज का। हमारी आज की सबसे पहली न्यूज क्या रहती है, वो रहती है कि हाई लेवल ऑफ अमोनिया इन द यमुना वाटर हमें देखने को मिला है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जनरल स्टडीज पेपर थ्री के लिए। याद रखिए जीएस पेपर थ्री के लिए ये आपको काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हमें इस न्यूज के अंदर ना कई चीजों को फोकस करना है। एक तो सबसे पहले यमुना रिवर को देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग किस चीज को कवर अप करेंगे, यहां पे हम लोग देखेंगे कि यमुना रिवर है जो आपकी, वो कहां कहां से फ्लो कर रही है, देन आफ्टर अमोनिया कहां से आया, और अगर अमोनिया एड ऑन हो चुका है उसके साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे, उसके कॉजेस क्या रहते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या रहते हैं। क्लियर। तो शुरू करता हूं। यहां पे देखिए आप लोग, तो जो दिल्ली है, दिल्ली जल बोर्ड रिड्यूस्ड वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब कंसेप्ट देखिएगा, दिल्ली जल बोर्ड ही क्यों यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपको पता है ना कि आपकी यमुना रिवर अगर ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, तो वो दिल्ली से भी होकर निकलती है, तो तभी तो दिल्ली जल बोर्ड ने क्या बोल दिया, रिड्यूस वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 25%। क्यों? क्योंकि आफ्टर हाई लेवल ऑफ अमोनिया वर डिटेक्टेड इन द यमुना रिवर। क्लियर है। यहां पे न्यूज क्यों अराइज हुई है वो आपको अब कंसेप्ट पता लग गया होगा, क्योंकि हर एक न्यूज अराइज होने का, आने का कारण कोई ना कोई कॉज रहता है, वो कॉज हमें पता लगा, तो जो दिल्ली जल बोर्ड ने बताया। यहां पे लिखा द सोर्सेस, अब सोर्स क्या है, आर मोस्ट लाइकली टू डिस्चार्ज एफ्लुएंट्स फ्रॉम द डाई यूनिट्स, कि जो डाई यूनिट्स का वेस्ट है वो यमुना नदी में डिस्चार्ज किया जा रहा है, डिस्टिलरीज का भी यमुना नदी के अंदर डिस्चार्ज किया जा रहा है, एंड अदर फैक्ट्रीज इन द पानीपत सोनीपत डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ये कंसेप्ट बोलना है किसका, दिल्ली जल बोर्ड का। ठीक है। यहां पे लिखा है कि मिक्सिंग अप ऑफ पोर्टेबल वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द ड्रेन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। इवन यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि जो अमोनिया है वो कलरलेस है, कलरलेस गैस रहती है, एंड इज यूज एज एन इंडस्ट्रियल केमिकल। क्यों हम लोग अमोनिया को क्यों यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ताकि हम लोग फर्टिलाइजर्स बना सकें, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाइज एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो इसी के कारण इन इंडस्ट्रीज का, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर और डाइज और अदर प्रोडक्ट्स हैं जो आपके, इनकी इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो डिस्चार्ज डायरेक्टली किया जा रहा है यमुना नदी के अंदर, और जिसके कारण अमोनिया कंटेंट मतलब NH3 यमुना नदी के पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए तो दिल्ली जल बोर्ड ने ये क्या कर दिया, 25% कमी कर दी किसके अंदर, वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर। क्लियर। यहां बोला गया कि इट अकर्स नेचुरली इन एनवायरमेंट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर एंड मे ऑल्सो फाइंड इट्स वे टू ग्राउंड एंड सरफेस वाटर सोर्स थ्रू द इंडस्ट्रियल
effluents or through the contamination by the sewage. Clear? अब अगर बात करें, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अमोनिया नहीं है पानी के अंदर, अगर है तो वो एक प्रॉपर लिमिट रहती है जिसको बोला गया परमिशन, मतलब परमिसिबल लिमिट है कि इससे ज्यादा अगर अमोनिया हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में दिक्कत रहेगी। तो वो कंसेप्ट क्या, सुनो, कहते अगर तो अमोनिया की पानी के अंदर कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर अगर ज्यादा होती है 1 ppm से अबव, 1 ppm से पार्ट्स पर मिलियन की बात की गई है ना, कि 1 parts per million से अगर ज्यादा हो गया तो वो टॉक्सिक बोला गया, किसको, फिशेस को एंड इन द ह्यूमंस। क्लियर है? कहते लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ वाटर हैविंग अमोनिया लेवल ऑफ 1 ppm और अबव मे कॉज डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स। तो कंसेप्ट अपने पास ये आ गया कि अमोनिया का जो लेवल है पानी के अंदर वो लेस देन 1 parts per million होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया ना तो ह्यूमन बीइंग को खतरा है और फिशरीज को खतरा है। अरे उसके इंटरनल ऑर्गन्स, इन दोनों लिविंग थिंग्स के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉब्लम आ जाएगी यहां पे। तो ये चीज यहां पे फंडा बोला गया। क्लियर है यहां तक? हम लोग आगे बढ़े। ओके, अब यहां पे मैंने कुछ कटिंग्स आप लोगों के लिए यूज की हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहां पे देखिए, यहां पे बोला गया कि ओजोनेशन यूनिट्स टू बी सेटअप एट वजीराबाद, चंद्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए जिसको क्लोरिनेशन प्रोसेस किया गया। इवन यहां पे लिखा है 0.5 parts per million इज द अपर लिमिट ऑफ अमोनिया। अब कंसेप्ट देख लीजिए, टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अब भारत के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 0.5 ppm होना चाहिए, अपर लिमिट है। इवन यहां बोला गया कि अप टू 0.9 ppm अमोनिया कैन बी ट्रीटेड टॉक्सिक, जो बोलेगा कैंसर कॉजिंग है, बाय प्रोडक्ट्स लाइक क्लोरामाइंस प्रोड्यूस बियॉन्ड दिस। याद रखें इन चीजों को। इवन यहां पे एक इशू भी आया था, कहते द अमोनिया इशू, इंक्रीज इन अमोनिया एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द यमुना डायरेक्टली अफेक्ट द ऑपरेशंस एट वजीराबाद एंड चंद्रवाला प्लांट्स दैट फीड ऑन रॉ रिवर वाटर। कंसेप्ट देख लीजिए, अरे वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो यमुना नदी से पानी निकालते हैं, वो है वजीराबाद में लगा हुआ है और एक है चंद्रवाला प्लांट। कहते द टू प्लांट्स सप्लाई क्वार्टर ऑफ दिल्ली 935 mgd वाटर सप्लाई। क्लियर है? इवन दिल्ली जल बोर्ड क्लेम्स सोर्स ऑफ अमोनिया इज 85 km अपस्ट्रीम एट डाइंग एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द पानीपत विच रिलीज अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द रिवर। अब कंसेप्ट है कि एक तो होता है ना कि हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्चार्ज कर दिया नदी के अंदर थ्रू ट्रीटेड, याद रखिए, बट यहां पे क्या लिखा गया अनट्रीटेड, मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर केमिकल कंटेंट था, वो कंसेप्ट है। अब सॉल्यूशंस क्या है, अब सॉल्यूशंस को भी ध्यान में रखते हैं। यहां पे लिखा बिसाइड अपग्रेडिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स रेनफोर्समेंट ऑफ द वॉल्स बिटवीन ड्रेन 6 at Panipat which carries industrial waste and drain 8 which carries raw water heading toward Delhi, ye aapke drain lines hain 6 and 8, kehte crack down on Panipat unit releasing untreated industrial waste, regular monitoring of the ammonia level upstreams, to ye concept hai, kehte time to be taken, to wo 6 mahine se 1 saal ka time aapko lagega, ye raha aapka concept, clear hai? और यहां पे एक ये भी चीज आप लोग नोट कीजिए, कहते वंस ओजोनेशन यूनिट्स आर सेटअप ट्रीटमेंट लिमिट विल इंक्रीज अप टू 4 parts per million। अगर ओजोनेशन प्रोसेस शुरू हो गया तो अमोनिया कंटेंट जो पानी में 4 parts per million भी आ गया तो भी हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। कहते दिल्ली जल बोर्ड क्लेम्स इट विल हैंडल 90% ऑफ अमोनिया हाइक एपिसोड्स। तो यहां पर कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स? शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, नेक्स्ट आता है यहां पे कि हाई लेवल ऑफ अमोनिया इन यमुना वाटर के अंदर ही देखते हैं। तो लिखा द दिल्ली जल बोर्ड डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी टू ट्रीट अमोनिया एंड दिल्ली डिपेंडेंट ऑन हरियाणा फॉर अप टू 70% ऑफ इट्स वाटर नीड। क्लियर है? ये कंसेप्ट कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट? जस्ट अ मिनट। अब यहां पे देखा जाए तो
सॉरी फॉर द डिसकॉन्टिन्यूटी, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा जो डेली जल बोर्ड है, जल बोर्ड डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, अब उनके पास कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है टू ट्रीट अमोनिया एंड द डेली डिपेंडेंट ऑन हरियाणा। अब जो आपका दिल्ली है वो हरियाणा पे डिपेंड रहता है 70% ऑफ इट्स वाटर नीड, क्लियर है यहाँ पे। इवन यहाँ पे लिखा कहते हरियाणा विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर has water paucity issue of its own which can further aggravate the supply to Delhi, clear hai? Kehte the only available solution with the Delhi Jal Board, ab Delhi walon ke paas yani ki Delhi Jal Board ke paas sirf ek hi solution hai ki to reduce production at 3 water treatment plants jo humne abhi dekha, ek Wazirabad mein hai, ek Chandrawala mein hai aur ek Okhla mein hai which are largely affected by the pollutant, clear। इवन यहाँ पे लिखा कहते ऑल्सो दिल्ली जल बोर्ड मिक्सेस रॉ वाटर, अब दिल्ली जल बोर्ड क्या करता है जो रॉ वाटर उसको भी मिक्स कर रहा है, दैट कैरी अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू डिसइंफेक्ट रॉ वाटर इज इंक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट टू एड्रेस द इशू। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, आप कंसेप्ट को देखें, दिल्ली जल बोर्ड ने डिसइंफेक्टेड रॉ मटेरियल को भी इंक्रीज कर दिया रिक्वायरमेंट के मुताबिक टू एड्रेस द इश्यूज। यहाँ पे लिखा द लैक ऑफ मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो का मतलब क्या रहेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ अदर पॉल्यूटेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा अगर एड ऑन डाटा यहाँ पे किया जाए ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए आप लोग, वी आर फेसिंग द इशूज रिगार्डिंग द यमुना रिवर ना, तो यमुना रिवर प्लीज यहाँ पे आप लोग मेरे साथ बने रहे, मैं आपको कोई भी डाउट नहीं आने दूंगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। यमुना रिवर की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स कहते दिस रिवर ओरिजिनेट, ये ओरिजिनेट कहां से करती है बताएंगे, ओरिजिनेट फ्रॉम द बंदरपूंछ ग्लेशियर्स, कहां पे दिखेंगे आपको बंदरपूंछ ग्लेशियर्स, इन द मंसूरी रेंज ऑफ हिमालयस, याद रखें ये चीज, क्लियर है। इवन अगर मैं आपको ये भी चीज बोल सकता हूं कि यमुना रिवर इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब क्या हो गया कि जो होता ना कि सहायक नदियां, तो गंगा नदी की राइट वाली सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। और अगर देखा जाए कहते दिस रिवर, एक मिनट, दिस रिवर फ्लोज थ्रू, तो ये कहां कहां से फ्लो करती है, हमने लिखा एक तो उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड से ये निकलती है, फिर यहां पे जाएगी यूपी के अंदर, फिर ये आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर से निकल के देन आफ्टर आपका ये हरियाणा, और हरियाणा से होते हुए ये दिल्ली, फिर यूपी भी निकल के ये फिर से यूपी को एंटर कर जाती है, क्योंकि दिल्ली के बाद ये आगरा की तरफ निकल जाती है, तो ये फिर से क्या आ जाता है आपका यूपी आता है। और अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की, क्योंकि हमने लिखा है ना कि कंसीडर्ड एज़ द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, तो इसकी लेंथ रहती है 1376 किलोमीटर, याद रखिए। और लिखा दिस रिवर मीट गंगा एट प्रयागराज, जिसको आप अलाहाबाद के नाम से भी जानते हो, याद रखें। और अगर मैं और भी डिटेल में चलूं, वाई वी कॉल्ड एज अ प्रयागराज क्योंकि ना, याद रखिए, जब कोई बड़ी नदी दूसरी बड़ी नदी को मिलती है ना, तो एक कंसेप्ट बनता है, वो क्या चीज बनाती है, वो बनाती है प्रयाग, जैसे कि हमने रिवर्स गंगा के अंदर देखा था 5 प्रयाग बनते हैं, क्लियर है। आई होप वो आपको डिटेल्स पता होंगी, ओके फाइन, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आज की हमारी पहली न्यूज थी। तो स्टूडेंट्स किसी को कोई भी ये रिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम रहती है ना कि अमोनिया लेवल जो यमुना वाटर के अंदर इंक्रीज कर गया है, ये न्यूज को लेकर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग आगे फर्दर बढ़ते हैं।
हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी वो है अपनी प्रगता गाइडलाइंस ऑन द डिजिटल एजुकेशन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए। क्लियर है, शुरू करें? ओके, अब यहां से धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द सिविल सर्विसेज स्पेशली। यहां पे लिखा, अब एजुकेशन की बात आ रही है तो एचआरडी मिनिस्ट्री तो आएगी आएगी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय आ गया। लिखा द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज रिलीज, उन्होंने एक रिलीज किया गाइडलाइंस को, निर्देश जारी किए गए किसके ऊपर, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, जिसका टाइटल क्या रखा गया, टाइटल था आपका प्रगता, प्रयागता। याद रखिए ये गाइडलाइन जारी की गई है फॉर द डिजिटल एजुकेशन बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे लिखी देख ही रहे हैं आप लोग, प्रयागता गाइडलाइन फॉर द डिजिटल एजुकेशन। इवन यहां पे ना डिजिटल एजुकेशन को लेकर हमने आज से 3 सेशंस पहले भी कुछ पढ़ा था और वो कौन से पोर्टल थे वो हम आज फिर से देखेंगे उसको। क्लियर है? यहां पे लिखा गाइडलाइंस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको आप लोग एनसीईआरटी के नाम से भी जानते हो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने गाइडलाइंस को जारी किया है। दीज आर द ओनली एडवाइजरीज इन नेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट देयर ओन रूल्स बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स। क्लियर? इवन यहां पे डेफिनेशन भी लिख दी गई है, कहते द गाइडलाइन इंक्लूड्स 8 स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग। अब 8 स्टेप्स आ चुके हैं और वो कौन कौन से हैं अगर यहां पे थोड़ा सा आप लोग देखोगे तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो आपका वर्ड बनना प्रगता इसका क्या है, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, पी स्टैंड्स फॉर योर प्लान, आर फॉर योर रिव्यू, ए अरेंज करना है और फिर करना है गाइड, और याक मतलब आपने टॉक करनी है, फिर असाइन किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा और फिर अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये आपकी गाइडलाइंस जारी की गई है एनसीईआरटी के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्यों की गई? अरे डिजिटल एजुकेशन के लिए। अब डिजिटल एजुकेशन हमने शुरू की थी क्योंकि कोविड पेंडेमिक के जो आउटब्रेक हो गया, जिसके कारण हमने पूरे वर्ल्ड में क्या देखा, क्या किसको फेस किया, लॉकडाउन को फेस किया। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कहते ओवर 25 करोड़ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत के अंदर 25 करोड़ जो विद्यार्थी हैं हैव बीन आउट ऑफ द स्कूल्स सिंस मिड मार्च 2020। क्यों? क्योंकि ऑन गोइंग ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। बिल्कुल ठीक है। यहां पे लिखा द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइन जारी की एनसीईआरटी ने उसको एक्नॉलेज किया दैट दीज स्टूडेंट्स लिव इन द हाउस होल्ड्स विच फॉल इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। बिल्कुल ठीक है। कहते दोस, अब वो विद्यार्थी हु हैव कंप्यूटर्स, जिसके पास कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं और जिनके पास 4G इंटरनेट असेस है, स्मार्टफोन्स बट लिमिटेड और नो इंटरनेट असेस, और या टेलीविजन विद द केबल और DTH रेडियो सेट, और बेसिक मोबाइल फोन विद द FM रेडियो विद नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस एट ऑल, तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं। अरे हमने पढ़ा था, हमने एक चीज को पढ़ा था, DTH का फुल फॉर्म क्या था, डायरेक्ट टू होम। इवन हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो DTH है वो सैटेलाइट यूज करेगा, GSAT-15। ये मैंने आपको करवाया व्यूअर स्टूडेंट्स, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आज मेरा सेशन पहली बार देखा है, उन लर्नर्स के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है। क्लियर है? और ये DTH भारत सरकार की तरफ से एक लॉन्च किया गया स्वयं प्रभा चैनल, याद रखें स्वयं प्रभा चैनल, जिसके द्वारा भारत का हर एक स्टूडेंट एजुकेट हो सकता है घर बैठकर भी, और वो स्वयं प्रभा चैनल यूज कर रहा है, डायरेक्ट टू होम यूज करेगा स्कीम को, या फिर सॉरी स्कीम नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी को, डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, और जो DTH है वो आपकी सैटेलाइट यूज कर रही है, GSAT, जस्ट अ मिनट, वो आपकी सैटेलाइट यूज कर रही है 15, याद रखिए ये चीज को। क्लियर स्टूडेंट? इवन स्वयं प्रभा के तहत भी भारत सरकार ने बोल दिया था कि वो लोग 40% स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि वो लोग स्वयं प्रभा चैनल को असेस कर पाए। क्लियर?
यहाँ पे लिखा इट एम्फेसाइजेस द एम, वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिजिटल क्लासरूम बन जाएगा इज नॉट टू ट्राई एंड रिक्रिएट फेस टू फेस क्लासरूम्स ओवर द इंटरनेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा ये एडवाइस कर रहे हैं, कहते इट एडवाइस स्कूल्स। अब स्कूलों को एडवाइस किया गया टू फर्स्ट सर्वे, सबसे पहले वो सर्वे करेंगे किसका, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, कि हर एक स्कूल के अंदर डिजिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं है, स्टूडेंट्स के पास वो डिजिटल फैसिलिटी अवेल करने की ऑप्शंस हैं कि नहीं। वो ऑप्शंस कब होगी, जब स्टूडेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा या फिर होगा उनके पास, और टीचर्स के पास एज वेल एज स्टूडेंट्स, द लेवल ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट द मोड ऑफ टीचिंग, बिल्कुल ठीक है। कहते फॉर किंडर गार्टन्स नर्सरीज एंड द प्री स्कूल्स ओनली 30 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम पर डे फॉर इंटरेक्टिंग विद द पेरेंट्स इज रिकमेंडेड। ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रहे, सिर्फ स्कूल में सॉरी ये नहीं देखना है कि आपको डिजिटल क्लासरूम बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स से भी आपको इंटरेक्ट करना है। क्लियर है? विद द प्रॉपर यहाँ पे लिखा इन्वॉल्वमेंट बिफोर मेकिंग डिसीजन, किसकी इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स की होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा स्कूल्स कैन होल्ड लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैक्सिमम ऑफ 1.5 आवर पर डे, मतलब 1.5 घंटे की एक दिन के अंदर क्लास होगी फॉर द क्लास 1 to 8 एंड 3 आवर्स पर डे, तो एक दिन में 3 घंटे की क्लास होगी क्लास 9 से क्लास 12 तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये वाली, तो ठीक है ना। अभी यहाँ पे आया, कहते दिस इज अ रियल टाइम टीचिंग, अब ये रियल टाइम टीचिंग है बिल्कुल ठीक है, एंड लर्निंग दैट कैन हैपन कोलैबोरेटिवली, बिल्कुल सॉरी दैट कैन हैपन कोलैबोरेटिवली एट द सेम टाइम व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑनलाइन लर्नर्स और इंडिविजुअल्स एंड टीचर अलाउइंग द इंस्टेंट फीडबैक, बिल्कुल ठीक। एग्जाम्पल्स क्या है, कहते ऑनलाइन टीचिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, अब जैसे कि हमने देखा था ऑडियो कॉन्फ्रेंस यूजिंग सैटेलाइट्स टेलीकम्युनिकेशन, अरे हमने ये चीज़ें यूज करने के लिए आपने यूट्यूब की हेल्प ली, बिल्कुल ठीक है, आपने गूगल मीट की हेल्प ली, जी बिल्कुल ठीक है, और आपने स्वयं प्रभा पोर्टल की हेल्प ली जो भारत सरकार ने शुरू किया, ये भी हमने देख लिया था। तो ये कंसेप्ट हैं जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग। यहाँ पे लिखा अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस, अब अगर लाइव क्लासेस से भी हटकर देखा जाए तो ये लिखते हैं इट ऑफर अ नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर एसिंक्रोनस लर्निंग्स विद टूल्स टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू डाउनलोड लेसन्स और लिसन टू द रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स। अब कंसेप्ट है लाइव क्लासेस के बजाय भी स्टूडेंट को बोल दिया गया कि आप लोग अपना जो टूल्स हैं उसको डाउनलोड करो, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट कॉपी रहती है सिलेबस की उसको डाउनलोड करो, या जो डाटा रहेगा सॉफ्ट कॉपी उसको डाउनलोड करो और वो आप लोग रीड आउट कीजिए या फिर सुनिए रेडियो पे या फिर टीवी प्रोग्राम पे जो भारत सरकार चला रही है। कम्युनिकेट थ्रू व्हाट्सएप एसएमएसएस, स्टडी ऑन देयर ओन एंड अंडरटेक क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आया चिल्ड्रन एक्सपोज टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गैजेट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम आर प्रोन टू द सीवियर हेल्थ, अब ये उसके ड्रॉबैक्स आ गए, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ये हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम होती है अगर ज़्यादा देर तक बच्चे इसको यूज कर रहे हैं। कहते इट ऑल्सो रिकमेंड एथिकल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग प्रिकॉशंस एंड द मेजर्स फॉर मेंटेनिंग साइबर सेफ्टी, करेक्ट, ये डाटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहते इट एनविसेज कन्वर्जेंस विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अब भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव ले लिए आपकी डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो है एक तो अभी हमने देख लिया था स्वयं प्रभा पोर्टल, एक हमने स्वयं देखा, एक है दीक्षा रेडियो वहिनी एंड शिक्षा वहिनी। माय डियर स्टूडेंट्स ये चीजें इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने क्या स्टेप्स को लिया टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन, और या फिर ऐसा बोल सकते हो उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो हम फंडामेंटल में राइट में लिखते हैं ना कि राइट टू एजुकेशन, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्वयं प्रभा स्वयं दीक्षा रेडियो वाहिनी और शिक्षा वाणी को लॉन्च किया, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनसीईआरटी, उसको भी अगर देखा जाए तो ये क्या चीज है, यहां पर लिखा द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिए इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, किसका, भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में एज अ लिटरेसी साइंटिफिक चैरिटेबल सोसाइटी
अंडर द सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860। तो 1961 में जो एनसीईआरटी को बनाया गया था वो कौन से कानून के तहत बनाया, वो बनाया था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर मैं बात करूं इसके एम की, इसका ऑब्जेक्टिव, अरे क्यों बनाया गया, तो यहां पे लिखा इसका एम था एट रिफॉर्मिंग द स्कूल एजुकेशन सिस्टम थ्रू रिसर्च ट्रेनिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड करिकुलम डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं है? शैल वी मूव फर्दर? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहती है थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जिसको बोला गया FMCBG मीटिंग हुई है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर द GS पेपर 2। क्लियर है? शुरू कर सकता हूं? ओके, तो देखें यहां पे मैं पहले बोल देता हूं डाटा एड ऑन ज्यादा होगा। क्लियर है? सिर्फ दो तीन पॉइंट्स को लेकर। तो सबसे पहले कहते हैं इंडिया हैज वर्चुअली पार्टिसिपेट, अब भारत ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया थर्ड G20 जो आधार रहा फाइनेंस मिनिस्टर्स के ऊपर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के ऊपर। याद रखें तो भारत की तरफ से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने किया था, मीटिंग अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। अब कंसेप्ट है प्रेजिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, तो कहने का मतलब क्या आ गया कि सऊदी अरेबिया ने इस बार थर्ड G20 मीटिंग करवाई। कंसेप्ट यही है ना? और यहां पे लिखा ये चीज आप लोग अब ऐड करें, कंसेप्ट देखें ये कि सऊदी अरेबिया इज द फर्स्ट अरब नेशन, ये सबसे पहला अरब नेशन बन चुका है टू होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी। क्योंकि हमने यहां पे लिखा है कि भारत ने जो वर्चुअल मीटिंग को अटेंड किया और वो प्रेसिडेंसी किसने संभाली थी, सऊदी अरेबिया ने। और बट यहां पे एक डाटा एड ऑन करने वाली बात ये है कि सऊदी अरेबिया अरब कंट्रीज में से सबसे पहला नेशन बन चुका है जिसने G20 की सबसे पहली बार प्रेसिडेंसी की। क्लियर है? यहां तक बढ़ते हैं आगे। यहां पे लिखा ही है कहते इट डिस्कस्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। तो कंसेप्ट है कि डिस्कशंस क्या हुई पूरे विश्व पूरे धरती को लेकर उसकी इकोनॉमी की, एंड amid involving COVID-19 pandemic crisis along with the other G20 finance track priorities। बिल्कुल ठीक है। फॉर द ईयर 2020 कहते फर्स्ट मीटिंग वॉज, अब अगर मैं कंसेप्ट बोल दू ना, फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन फेब्रवरी 2020 एट रियाद सऊदी अरेबिया। मैं प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, मैं ये भी प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, हालांकि मेंस में नहीं बट प्रिलिम्स में पहले दो पॉइंट स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पे हमने डाटा भी एड ऑन किया कि अरब नेशन पहला नेशन बन गया, सॉरी सऊदी अरेबिया पहला नेशन है जो G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहे। यहां पे लिखा द इंपॉर्टेंस रेलिवेंस ऑफ द G20 एक्शन प्लान्स वाज हाईलाइटेड, उसको हाईलाइट किया गया है। कहते इट वाज एंडोर्स्ड इन रिस्पांस टू COVID-19 इन अप्रैल 2020। करेक्ट है स्टूडेंट्स? कोई डाउट रहेगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। याद रखिए आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर लिंक आपको मिल जाएगा, आप PDF को निकालें प्रिंट आउट लें और उसको अंडरलाइन करें जो भी डाटा आपको इंपॉर्टेंट लगता है और जो मैं यहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं, क्योंकि ये काफी क्रूशियल डाटा रहेगा UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं आगे। यहां बोलते हैं इट हैज अ लिस्ट ऑफ, तो G20 के पास लिस्ट है किसकी, कलेक्टिव कमिटमेंट्स की। अब कमिटमेंट तो कर दी, वो कौन से पिलर्स हैं जिसके तहत हमने कमिटमेंट कर दी? हेल्थ रिस्पॉन्स नंबर वन, क्यों, कोविड पेंडेमिक को लेकर। दूसरा इकोनॉमिक रिस्पॉन्स ड्यू टू द लॉकडाउन, इकोनॉमिक आउटलुक बहुत प्रॉब्लम में थी, क्राइसिस आ गए थे, यहां पे लिखा हुआ हमने, ये देखो। फिर आया स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल रिकवरी, अरे रिकवरी किसकी कर रही है, जो आपकी इकॉनमी बहुत क्राइसिस में, जो हेल्थ सेक्टर बहुत क्राइसिस में उसको, और एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन, जो विश्व दर पर जो इंटरनेशनल फाइनेंस में क्राइसिस है उसको भी कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है।
तो ये था एम एट द कोऑर्डिनेटिंग G20 एफर्ट्स टू फाइट द पेंडेमिक. तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था कि कोविड-19 के कारण जो क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिले उसको कैसे हम लोग कम अक्रॉस करेंगे. क्लियर है यहां तक? बढ़ते हैं आगे. इंडिया का भारत का रिस्पॉन्स मैं पहले ही बोलता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरे का पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें कुछ ऐसा बोलने वाला ही नहीं है. ये प्रीम है, वो मेंस है, ये प्रीम है, वो मेंस है, ये सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है. अब भारत ना, भारत किस नजरिए से देखता है, भारत का क्या रोल प्ले कर रहा है वो देखते हैं. कहते हैं इंडिया एम्फेसाइज द नीड ऑफ बैलेंस सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड मेजर्स. बिल्कुल ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे इन द रिस्पॉन्स टू कोविड-19 यहाँ पे मैंशनड है. इवन इट ऑल्सो स्पोक अबाउट द प्रो साइक्लिसिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग डाउन ग्रेड्स बाय द रेटिंग एजेंसीज. अब कंसेप्ट क्या है, बोला गया कि जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो रही है बाय द रेटिंग एजेंसी जो करती है रेट, एंड इट्स डिटरेंट इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसी ऑप्शंस पर्टिकुलरली फॉर द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी. इवन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो साइक्लिक रेटिंग्स आर स्ट्रिक्टर ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न देन एन एक्सपेंशन. अब कंसेप्ट है, ये भारत बोलता है कि जो आपकी प्रो साइक्लिक रेटिंग रहती है वो स्टिक होनी चाहिए कब, जब आपकी इकोनॉमी गिर रही है, देन एन एक्सपेंशन एज अ रिजल्ट. तो इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, कहते फर्म रिसीव्स ओवरली पेसिमिस्टिक रेटिंग इन रिसेशन रिलेटिव टू ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन. क्लियर? ये इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड जो सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी भारत के अंदर, सॉरी सऊदी अरेबिया के अंदर. यहां पे लिखा कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड. अब पूरे विश्व स्तर पर हर एक कंट्री को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है. अब इन एड्रेस द स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ एग्जिट स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू द कोविड-19 लॉकडाउन. बिल्कुल ठीक है कि हमें कैसे बाहर निकलना है वो स्ट्रेटजी पे भी काम करना चाहिए. कहते स्पिल ओवर इफेक्ट रेफर्स टू, अब स्पिल ओवर इफेक्ट क्या चीज रहती है, कहते स्पिल ओवर इफेक्ट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ अनरिलेटेड इवेंट्स इन वन नेशन ऑन द इकोनॉमीज ऑफ द अदर नेशन. कंसेप्ट है कि इम्पैक्ट ऑफ अनरिलेटेड इवेंट इन एक नेशन के ऊपर जो इवेंट हुआ ऑन द इकोनॉमीज ऑफ अदर नेशन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. इवन यहां पे लिखा कि द G20 फाइनेंस ट्रैक डिलीवरेबल है जो फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर्स के बीच हुई. डिस्कस द डेवलपमेंट ऑन G20 फाइनेंस ट्रैक डिलीवरेबल अंडर द सऊदी अरेबिया प्रेसिडेंसी. हमने ये तो नोट किया था. इवन यहां पे भारत का रोल अब फिर से आ गया. कहते इंडिया डिस्कस टू सच डिलीवरेबल्स. भारत ने भी ऐसे दो सच डिस्कशंस किए. वो कौन से? पहला एंड एनहांसिंग असेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन, कि हमें वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आनी है. यूथ एंड स्मॉल मार्केट इकोनॉमीज एंड मेन्यू ऑफ द पॉलिसी ऑप्शंस ऑन असेस टू अपॉर्चुनिटी, ताकि हमें अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी जो पॉलिसीज बनानी है ताकि अपॉर्चुनिटी बन सके उसके ऊपर भी काम करना है. ये भारत का बोलना था. इवन यहां पे लिखा कि सेकेंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एजेंडा एंड द इंटेंडेड डिलीवरेबल ऑफ द फॉर्मुलेटिंग अ सॉल्यूशन फॉर एड्रेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू द डिजिटल टैक्सेशन. जो यहां पे मैंने फोटो लगाई है, दीज आर द मेंबर्स ऑफ G20. ठीक, अब भारत क्या बोलता है. इंडिया सेड दैट कंसेंसस बेस्ड सॉल्यूशन शुड बी सिंपल इंक्लूसिव एंड बेस्ड ऑन द रोबस्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट एसेट्स, सॉरी असेसमेंट्स. क्लियर है? फर्दर देखते हैं यहां पे. अब लिखा कहते इट इज इन लाइन. अब ये एक लाइन के अंदर है विद द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स. लिखते हैं इसके बारे में कि लिखा टू इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन इन टू टैक्सेस एडॉप्टेड और अंडर कंसिडरेशन बाय द 10 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया ऑन रेवेन्यू ऑफ द अमेरिकन डिजिटल सर्विसेज कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स एयरबीएनबी. अब यूएसटीआर के अकॉर्डिंगली तो भारत बाहर आ चुका है. वो क्या है, इसके लिए प्लीज डाटा एड ऑन कीजिए. अब हमने यहां पे देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंट
टेटिव, जिसका शॉर्ट फॉर्म रहा USTR। क्लियर है? तो शुरू करें। तो यहां पे लिखा द यूएस रिमूव्ड इंडिया। अब भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ने रिमूव कर दिया इंडिया फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अरे इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण था। वो कारण क्या था देखते हैं। अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहते लिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशंस दैट आर एक्सपेंडेड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशंस इनटू, अरे किसके अंदर, इनटू वेदर दे हैव अमेरिकन इंडस्ट्री, वेदर दे हैव अमेरिकन इंडस्ट्री विद अनफेयरली सब्सिडाइज्ड। याद रखें एक्सपोर्ट्स। क्लियर? तो इसी के तहत भारत को रिमूव किया गया डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में से। आगे आगे और देखते हैं। यहां पे आगे डाटा और भी हमारे लिए कहते यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करते हैं, उन्होंने एलिमिनेटेड किया अ होस्ट ऑफ कंट्रीज को। अ होस्ट ऑफ कंट्रीज इंक्लूड, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड की गई है, इंक्लूडिंग ब्राजील, साउथ अमेरिका की एक आता है, इंडोनेशिया आपका एशिया का पार्ट आ गया, एक आता है आपका हांगकांग, अगेन एशिया का पार्ट आ चुका है, देन आफ्टर साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका, अरे अफ्रीका का पार्ट आ गया जो मेडागास्कर के पास आपको देखने को मिल जाएगा, अर्जेंटीना फ्रॉम गेटिंग स्पेशल प्रेफरेंसेस अंडर द मेथोडोलॉजी। अरे स्पेशल प्रेफरेंस अंडर द मेथोडोलॉजी, कौन सी मेथोडोलॉजी फॉर, जस्ट अ मिनट, अब इंपॉर्टेंट रहेगा तभी तो मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, फॉर काउंटवेलिंग ड्यूटी। याद रखिएगा ये कंसेप्ट आपके लिए, जिसको बोलगा सीवीडी। क्लियर है? अगर बात करें, एक सेकेंड, अब यहां पे जस्ट अ मिनट, आगे फर्दर और लिखा जाए इन्वेस्टिगेशंस स्टेटिंग दैट, तो जो इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई तो वो क्या, उन्होंने क्या नतीजा दिया, क्या रिजल्ट दिया, क्या स्टेटिंग दैट द प्रीवियस, जो पहले से गाइड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, बोल सकते हो गाइडेंस है, दैट डेटेड बैक टू 1998 इज नाउ ऑब्सोलेट। क्लियर है? सो दीज आर द अंडर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, अरे जिसके तहत भारत को बाहर किया गया डेवलपिंग कंट्रीज में से। याद रखें लिस्ट क्यों, कहते वेदर दे हैव अमेरिकन इंडस्ट्रीज विद अनफेयरली सब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डाटा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखा कहते इन रिस्पॉन्स टू इट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट इट विल नॉट एक्सटेंड द डेडलाइंस फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन। हालांकि डेडलाइन नहीं करी गई फॉर द पेमेंट्स ऑफ इक्वलाइजेशन लेवल बाय द नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स प्लेयर्स। क्लियर है? कौन किसको, किसके लिए, अरे ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए, इवन दो अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर येट टू डिपॉजिट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द टैक्स। हालांकि अगर देखा जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, ई कॉमर्स वाली कंपनीज ने अपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे कर रखी है। क्लियर? अब G20 की बात करें तो कहते G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज का विद यूरोपियन यूनियन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स एंड द वर्ल्ड बैंक। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, इसको भी देख लिया जाए। कहते इट इज ऑल्सो नोन एज द फंड, अब हम लोग इसको फंड भी बोल सकते हैं, वॉज कंसीव्ड
एट अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन कहां पे, इन ब्रेटन वुड्स, इन ब्रेटन वुड्स, वो कहां पे है आपका, न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स, क्लियर, कहां, कब, अरे इन जुलाई 1944. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, क्लियर है. आगे देखा जाए, यहां बोलते हैं कि द G20 मेंबरशिप कंप्राइज अ मिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड द एमर्जिंग इकोनॉमीज. हालांकि हमने एक सेशन के अंदर पढ़ा था G7 को G10, G11 भी बोल सकते हैं क्योंकि एडिशन हो रहे हैं, भारत भी जा रहा है उसके अंदर तो शायद से, बट हमने फिर उसी सेशन के अंदर पढ़ा था द कंपैरिजन बिटवीन G7 एंड G20, और हमने देखा था कि जो आपकी G20 है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इकॉनमी बना रही है. अरे क्यों? क्योंकि G20 के जो मेंबर हैं वो सबसे बड़े इकॉनमी रोल प्ले करते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहते हैं अबाउट टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. अगर बोला जाए पूरे ग्लोब का 2/3 पॉपुलेशन दुनिया का G20 के मेंबर्स हैं. 85% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड. अरे कंसेप्ट है 85% GDP, अरे G20 के मेंबर बना रहे हैं, 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट G20 के मेंबर बना रहे हैं. अगर पूरे विश्व में ट्रेड होता है तो 75% ट्रेड जो पूरे दुनिया में हो रहा है, पूरे अर्थ पे हो रहा है, वो G20 के मेंबर करते हैं. ये बोला गया. हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिला? कहते हैं G20 ऑपरेट एज अ फर्म एंड नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन. इंपॉर्टेंट है, G20 को फर्म के रूप में देखो. अरे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो क्या होगा? इट डज नॉट हैव एनी परमानेंट सेक्रेटरीट. बिल्कुल ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन होता तो हमें परमानेंट सेक्रेटरीट देखने को भी मिलता. यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपको? हम लोग आगे चलते हैं. ओरिजिन देख लिया, ओरिजिन है 1997 से 1999 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं जब. कहते दिस वॉज अ मिनिस्ट्रियल लेवल फर्म, जो मिनिस्ट्रियल लेवल फर्म रहती है विच एमर्ज आफ्टर G7, जो G7 बनने के बाद आई, इन्वाइटेड बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमी. बिल्कुल ठीक. कहते तो फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बिगैन मीटिंग इन 1999. क्लियर. एमिड द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस द वर्ल्ड सॉ द नीड फॉर न्यू कंसेंसस बिल्डिंग एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल. इट वॉज डिसाइडेड दैट G20 लीडर्स वुड बिगिन मीटिंग वंस एनुअली. अब कंसेप्ट है 2018 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी ये विचार आया कि क्यों ना G20 के मेंबर्स को भी अब मिलना चाहिए हर साल. तभी तो लिखा है एनुअली. क्लियर, यहां पे लिखा था कि फाइनेंस मिनिस्टर्स सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बिगैन मीट इन 1999, जो आज हमने देखा है. क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर. ओके फाइन, ठीक है. देखिए किसी को कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा. मैं आगे बढ़ता हूं, हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज है. ओके अभी पढ़ी है. मेंबर्स कौन कौन है? तो मेंबर है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया. ये आप सारे एक बार गो थ्रू हो जाइए. तो दीज आर द G20 के मेंबर्स. कहते वन नेशन होल्ड द चेयर एवरी ईयर कंसेप्ट है. ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा. अगर 20 मेंबर है तो 20 के 20 मेंबर हर साल, मतलब ऑल्टरनेटिवली एक ना एक प्रेसिडेंसी संभालेगा. जैसे कि इस बार सऊदी अरेबिया ने 2020 की प्रेसिडेंसी को संभाला और 2021 नेक्स्ट ईयर समिट विल बी हेल्ड इन इटली. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी न्यूज अब खत्म होती है. यहां पे फर्दर बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है ICJ ऑन द क्वार्टर ब्लॉकेड. वो क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन द कतर ब्लॉकेड. अब देखते हैं इसके ऊपर. यहां पर लिखा द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिफ्यूज्ड एन अपील. ICJ ने अपील को रिफ्यूज कर दिया, वो अपील जो लगाई गई थी बहरान के द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब दुबई के द्वारा. विच चैलेंज? अब इन्होंने अपील के अंदर क्या चैलेंज किया कि अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन टू एजुकेट on legality of the Qatar blockade. Clear? Ab, what do you mean by International Court of Justice and what do you mean by International Civil Aviation Organization? जब तक यही दो pillars clear नहीं होंगे ये news समझने में problem रहेगी. तो इसके लिए भी data add on करते हैं. तो focus कीजिए आप लोग बस. यहां पर लिखा International Court of Justice
तो आप लोग देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय आईसीजे। शुरू कर सकता हूं मैं यहां पे, क्लियर है ना? तो आप लोग देखें बस, नंबर वन यहां पे लिखा है ये एस्टैब्लिश कब हुआ था आपका। आईसीजे वॉज एस्टैब्लिश इन 1945 बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड स्टार्टेड वर्किंग। तो इसने वर्क कब शुरू किया था? स्टार्टेड वर्किंग इन अप्रैल, उसके अगले साल अप्रैल 1946 में। क्लियर? अगर मैं यहां पे एक और चीज बोल दूं कि आर्टिकल 33 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द यूएन चार्टर लिस्ट, द नेगोशिएशन इंक्वायरी मेडिएशन एटसेट्रा। अरे ये कंसेप्ट है कि इसका रोल क्या है आईसीजे का? नेगोशिएशन करना, इंक्वायरी करना, मेडिएशन मतलब जो लड़ाई झगड़े का मुद्दा है उसको सॉल्व आउट करना, डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करना, मेडिएशन एटसेट्रा, मेथड्स फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ये है आपकी बेसिक सी डेफिनेशन फॉर आईसीजे, जिसको बोला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो 1945 में बना था और वर्क हुआ 1946 में, और किसके अंडर? अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एक्ट। क्लियर है? अब अगर बात करें हमारा, ये तो क्लियर हो गया आईसीजे का। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए भी देखते हैं। यहां पे लिखते हैं कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज, तो देखें आप लोग यहां पे बोला गया था, कहते इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन विच वॉज साइंड ऑन, अरे कब साइन किया गया था? 7th ऑफ दिसंबर 1944। कहां पे? शिकागो में। बेसिक है ये चीजें। नेक्स्ट आया इसका एम। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसको बनाने का रोल मुद्दा क्यों बनाया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फॉस्टर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सो एज टू एंश्योर द सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ये इसका मेन रोल था प्ले करने का, किसका? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है? अच्छा, यहां पे बाय मिस्टेकली वो स्लाइड जल्दी निकल गई। थर्ड पॉइंट क्या था कि आपका जो भारत है वो भी मेंबर है किसका? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। अगर मैं फोर्थ बात करूं, इसका हेडक्वार्टर, आपको इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स कहां पे देखने को मिलता है? मॉन्ट्रियल में। और वो कहां पे रहेगा? कनाडा में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं आपको? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जिसके अंदर हमने आईसीजे को देख लिया, बहुत डिस्कस किया, और हमने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को देखा, क्योंकि आईसीजे के अंदर ही तो अपील लगाई गई थी बहरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूएई के द्वारा। किसके अगेंस्ट? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहां पर लिखा आईसीजे इज अ टॉप यूनाइटेड नेशन कोर्ट एंड आईसीएओ इज इंटरनेशनल एविएशन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोला गया यहां पे कि जो यूएई है, मतलब दुबई, बहरान, सऊदी अरेबिया एंड द कतर आर लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ रीजन। अरे कंसेप्ट है, कहां पे रहते हैं ये? पर्शियन गल्फ रीजन में रहते हैं, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर? ये रहा आपका पर्शियन गल्फ, और ये रहा आपका बहरान, ये रहा आपका कतर, और ये रहा आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
आर द मेंबर्स ऑफ द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल. अरे यहीं पे तो आपका गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल बना. क्लियर? ये तीनों मेंबर्स रह चुके हैं, अभी भी हैं. नेक्स्ट करते हैं आगे. यहां पे लिखा कि कतर ब्लॉकेट क्या चीज है, उसके ऊपर फोकस करते हैं. यहां बोलते हैं कि इन जून 2017, अब 2017 में जो कतर नेबरिंग है वो कौन है, कहते अरब नेशंस ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई जिसको दुबई बोला गया, बहरान एंड इजिप्ट. ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरान एंड इजिप्ट शट ऑफ शिपिंग. तो इन्होंने शिपिंग बंद कर दी, रूट्स एंड एयर स्पेसेस विद द कतर. कतर के साथ इन सभी नेबर्स ने क्या बंद कर दिया, शिपिंग रूट एंड द स्पेस कंसेप्ट. यहां पे देखें, फोकस करें आप लोग जस्ट अ मिनट, कि ये रहा आपका कतर, ये रहा आपका कतर, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये रहा आपका बहरान और ये रहा आपका सऊदी अरेबिया. तो इन सभी नेबर्स ने कतर के साथ अपना शिपिंग रूट ट्रेवलिंग बंद कर दिया, एयर ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया. देखते हैं, शट ऑफ शिपिंग रूट एंड एयर स्पेस विद द कतर फॉर इट्स alleged support for the terrorism. अरे क्यों? क्योंकि जो कतर है वो, इनका मानना है कि वो सपोर्ट करता टेररिज्म को, एंड इट्स टाइज विद द ईरान, और ईरान के साथ कतर के टाइज भी हैं, मतलब रिलेशन है, आप यहां पे बोल सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आया यहां पे, हाउ एवर कतर डिनाइड. तो कतर ने डिनाई किया सपोर्टिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एंड हैज ओनली and has openly condemned its isolation as a clear attack on its sovereignty. तो कतर ने directly बोल दिया है कि ये तो directly एक मौका है उसके ऊपर attack करने का. किसके ऊपर? sovereignty. कतर की sovereignty के ऊपर attack किया जा रहा है. ठीक? कहते all the four neighbors. अरे कौन? Saudi Arabia, Dubai, Bahrain और Egypt issued 13 पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड फॉर दोहा. तो इन्होंने 13 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई है जो डिमांड करती है दोहा को. दोहा क्या है? कैपिटल ऑफ कतर. टू कंप्लाई विद इन ऑर्डर टू रीस्टोर द अर्सवाइल रिलेशंस. क्यों? ताकि अगर ये डिमांड्स पूरी हो पाती हैं तभी तो जो आपके नेबर्स हैं वो लोग शिपिंग को फिर से शुरू कर पाएंगे, एंड प्लस और क्या शुरू कर पाएंगे, एयर स्पेस जिसको रिसेंटली अभी बंद करके रखा हुआ है. क्लियर? यहां पे लिखा टू कंप्लाई विद इन ऑर्डर टू रिस्टोर अर्थ सॉइल रिलेशंस. क्लियर है? यहां पे लिखा कि सम ऑफ द डिमांड्स. अब 13 जो 13 पॉइंट लिस्ट है उसमें से कुछ डिमांड्स ऐसी हैं, इंक्लूड कतर क्लोजिंग डाउन न्यू आउटलेट्स. कंसेप्ट है जो 13 पॉइंट डिमांड लिस्ट दी गई है बाय द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ योर कतर, तो उसमें से कुछ डिमांड्स हैं कि कतर अपने आउटलेट्स को बंद कर दे जिसका नाम है अल जजीरा. आउटलेट्स को बंद किया जाए अल जजीरा को जो ओपन किए गए कतर के द्वारा. क्यों? कहते एंड टाइज विद द रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड्स, स्केल डाउन टाइज विद द. अब एक और है डिमांड कि जो एक है कि उसके जो टाइज हैं विद शिया मेजॉरिटी ईरान एंड रिमूव टर्किश ट्रूप्स सेंक्शन इन द कंट्री. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है डाटा आप लोगों के लिए कि क्या रिलेशंस खराब हो रहे हैं कतर के अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ. याद रखें ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, हमें नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास क्या चीज हो रही है. क्लियर? बढ़े आगे. अब आता है डिस्प्यूट एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो डिस्प्यूट क्या हो गया? यहां पे लिखा कि कतर अप्रोच द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे गया और अप्रोच किया किसको? अरे अप्रोच कर गए वो लोग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को, अलेजिंग दैट इट्स राइट्स ऑफ फ्री पैसेज अंडर द 1944 कन्वेंशंस ऑन द सिविल एविएशन वर वायलेटेड बाय द ब्लॉकेड. अब कतर ने जो ICAO के अंदर बोल दिया है कि 1944 कन्वेंशंस के तहत जो सिविल एविएशन के लिए हुई थी वो वायलेट हो रही हैं क्योंकि उसके नेबर कंट्रीज ने एयर स्पेस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया. ये कतर का बोलना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. यहां पे बोला गया कि जो सऊदी अरेबिया है कतर का नेबर एंड इट्स एलाइज आर्ग्यू दैट, तो उसके जो एलाइज हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शुड हैव द अथॉरिटी. तो ICJ के पास अथॉरिटी है टू सेटल द डिस्प्यूट इंस्टेड ऑफ द
ICAO, तो सऊदी अरेबिया का बोलना है कि जो कतर ने अप्रोच किया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को, बट सऊदी अरेबिया बोलता है ये अथॉरिटी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है, हालांकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, बिकॉज डिस्प्यूट गोज बियॉन्ड द एविएशन मैटर्स. क्यों बोला गया सऊदी अरेबिया के द्वारा? क्योंकि अब जो कतर का अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट पड़ चुका है वो सिविल एविएशन से भी आगे बढ़ चुका है. तभी तो बोला गया कि आप लोग अब ICJ को मूव करें, जिसको बोला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. यहां पे बोलते हैं 2018 में क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, यहां बोला इन 2018 द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रूल किया अगेंस्ट द सऊदी कोएलिशंस होल्डिंग दैट इट डिड नॉट हैव ज्यूरिडिक्शंस टू हियर द केस. कंसेप्ट देखिए यहां पे, 2018 के अंदर ICAO ने रूल किया अगेंस्ट सऊदी कोएलिशंस के अंदर दैट इट डिड नॉट हैव ज्यूरिडिक्शंस टू हियर द केस एंड इट्स रूलिंग वॉज रिसेंटली बैक्ड बाय द ICJ2. क्लियर? नेक्स्ट कहते द ब्लॉकेड. अरे ब्लॉकेड क्या चीज कर दी? अरे ब्लॉकेड कर दिया जो कतर का एयर स्पेस था, ब्लॉकेड कर दिया शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन को. द ब्लॉकेड स्टिल रिमेन इन फोर्स, अभी भी रिमेन है. अब मैं फिर से अगर रिविजन करवा दूं, किसने ब्लॉक किया? सऊदी अरेबिया ने, बिल्कुल ठीक है. और किसने किया? बहरान ने किया, UAE ने किया. और किसने कर दिया बताएं? यहां पे देख लीजिए, सऊदी अरेबिया, UAE, बहरान और एक रहेगा आपका इजिप्ट. क्लियर? तो लिखा द ब्लॉकेट सेल रिमेन इन फोर्स एंड ICAO इज एक्सपेक्टेड, तो इनका एक्सपेक्टेशन है टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट इन द 2021. तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है, एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्डिक्ट, मतलब रिजल्ट लेकर आएंगे अगले साल 2021 में, यानी कि इस साल की बात कर रहे हैं वो लोग. द रूलिंग विल बी इन द कतर्स फेवर. अब जो रूलिंग आ रही है वो कतर फेवर्स के ये आ रही है एंड विल बी अ मेजर विन फॉर द कंट्री एंड इट्स नेशनल कैरियर कतर एयरवेज. जो हमें इंडिया के अंदर भी इसकी फैसिलिटी मिलती है, नेशनल कैरियर कतर एयरवेज की. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये न्यूज को लेकर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. एनी डाउट, कोई भी डाउट रहता तो प्लीज मुझे बताइए. और मैं आज का अपना सेशन यहीं तक खत्म करता हूं, और किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिए. और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहें बस 70 डेज के लिए, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स को बहुत ही बढ़िया ढंग से कर जाएंगे, कवर अप कर लेंगे, ताकि आपको सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम ना आ पाए. क्लियर है? और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा, और बस आप लोग इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट करें और रिव्यू करें. थैंक यू फ्रेंड्स.